खबर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ग्राम पंचायत कालवा से है, जहां पर ग्रामीणों ने निर्माणाधीन मार्ग से रेत परिवहन को लेकर विरोध किया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन व संभागायुक्त महोदय और तहसीलदार साहब एवं थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने निर्माणाधीन सड़क से रेत परिवहन पर रोक लगाने की मांग कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत चंद्रपुर से मुकामपुर घाट के कुनुक नदी से रेत उत्खनन व परिवहन करने का आदेश दिया गया था, लेकिन एजेंसी ग्राम पंचायत कालवा के भोगड़ा घाट से कुनुक नदी से रेत उत्खनन निर्माणाधीन मार्ग भटिया भोगड़ा से किया जा रहा है। रेत परिवहन की वजह से इस सड़क का काम बंद हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मुकामपुर से रेत उत्खनन व परिवहन कराने के साथ ही मुकामपुर भटिया मार्ग से रेत परिवहन कराया जाए। भटिया से भोगड़ा मार्ग जो निर्माणाधीन है, उस मार्ग से रेत परिवहन बंद कराया जाए। वहीं बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि अगर 8 मार्च तक बंद नहीं कराया गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या नाम है सर आपका? बाबूलाल सिंह, ग्राम पंचायत कुलभा से। आपकी समस्याएं क्या है सर? सर ये रोड वाला समस्या है, जो अभी रोड चल रहा था बनने के लिए, अभी कार भी चल रहा है, प्रतिकार है। इसमें ये है कि अभी क्या रेत उत्खनन चल रहा है भोगड़ा से बरगामा रोड, और जबकि लीज ये हुआ है कि लुकामपुर से भटिया के लिए, वहाँ न ले जाके यहाँ भोगड़ा से बरगामा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लीज में दूसरा रोड है? जी जी, लीज में दूसरा, और जो है मतलब दूसरे रोड से रहे? जी जी जी, परिवहन दूसरे रोड से कर रहे हैं, यही बोलना चाहते हैं ना? यही बोल रहे चाह रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि देखिए, रोड क्या है, पहले बन जाए उसके बाद चले, अभी बन नहीं रहा है। पार्किंग क्या है, 8 टन 10 टन बता रहे हैं, 25 टन 26 टन चल रहे हैं, हाईवे दिन रात चल रहे हैं। दूसरी बात का दुर्घटना बना रहता है, अभी हमारे मवेशी मर गया, यही ये बगल में अभी कल फकवाए हैं, इसकी जवाबदारी कौन होगा? दूसरी बात क्या है कि हम ज्ञापन पूरे शासन को दिए, हर जगह शासन दिए हैं ज्ञापन, कोई सुनने वाला नहीं है। कलेक्टर जी दिए हैं, कमिश्नर जी दिए हैं, तहसील में गए, SDM जी दिए हैं, लोन और PW विभाग से दिए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है आज तक, न कोई भी अभी तक आया। और हम क्या है कि अभी धरना धरने वाले हैं, इसकी समस्त जवाबदारी कौन शासन की होगी अगर नहीं सुन रहे हैं तो? धरना प्रदर्शन कब से करने वाले हैं? 9 तारीख से। 9 तारीख जी। क्या नाम है चाचा जी आपका? लाला चर्मकार। लाला चर्मकार, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत कुलहा से। कुलहा से, क्या समस्या है आपका? समस्या ये है सर जी, ये रोड अभी बनने का शुरू हुआ, एक तो कभी बना नहीं जी, अब आज बने का स्टार्ट भाई, आधा बना है जी। गिट्टी डाल के रहते हैं कि पूरा उखाड़ दिए रोड वाले, सी ट्रैक वाले रेता ढो रहे हैं जी, और रेता ढोने का ये रोड माँ उनका लीज नहीं है जी, रोड उनका दूसरा है, दूसरा है, तो वो रोड से नहीं ढो रहे हैं, ये रोड में ढो रहे हैं जी, जहाँ की लीज नहीं है जी, जी। इसलिए गांव वाले आपत्ति यह लगा रहे हैं कि ये रोड को अभी बंद कर दो, यमा से न ढो, दूसरे रोड से जहाँ से चालू है लीज बना है वहाँ से ढो। 40-40, 50-50 टन के वाहन चलते हैं, गिट्टी घर द्वार कच्ची बना है, सब धसके भसके जा रहे हैं, दड़दड़ा रहे हैं उनकी दड़दड़ा में जी जी। हाँ ये समस्या है सर, तो हमारा कहना है कि रोड से न ढोए। तो चाचा जी आप क्या चाहते हैं? ये रोड से न ढोए, हमारा रोड बन जाए। क्या इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है? सबको दीन गए है सर जी, पे कोई नहीं सुनने किसको वाले। किसको दी गई है चाचा जी? अरे तो कलेक्टर साहब को भी दीन गया है, तहसीलदार साहब, SDM साहब, कमिश्नर सिंह, विधायक जय सिंह मरावी जी से, जनपद से कहा गया, मतलब सभी को दी गया जी सर, एक पुलिस तक की जानकारी, बाकी कोई सुनवाई नहीं जी जी। ये समस्या है सर, इसको। सर क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? कुलहा। आपकी समस्याएं क्या? हमारी समस्या है कि जो ये रोड बन रहा है वो पूरा नहीं होने पाता है, ये खनिज वाले जो है, रेत खनिज वाले, उसका मार्ग दूसरा है, चला रहे हैं दूसरा मार्ग, उनका मार्ग है लुकामपुर से भटिया, और वो चला रहे हैं भटिया से बरगमा रोड में, तो ये रोड हमारा खराब हो गया है, उसे कहना है कि गाड़ी रोक के और रोड बनने दें, यही हमारा कहना है। क्या इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है? हाँ दी गई है, कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, SDM साहब, तहसीलदार साहब को, और TI साहब को, सबको सूचना दे दी है, बाकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 181 में भी दो बार लगा चुके हैं, 2-3 बार, विधायक भी, विधायक लग तो 4-5 मरतबे उकरे हैं, बस वही विधायक भी कहता है कि जाम करो, ये करो, दुनिया भर आते, कोई नहीं ना हमारी कोई समस्या सुनता है, कोई समस्या नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है,
जब आपके द्वारा जब जानकारी दी गई है तो कुछ आश्वासन दिया गया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया गया है अभी तक। अभी तक हाँ, अगर नहीं होगा तो 9 तारीख से हम धरना धर देंगे।